उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। अधिकारियों को इसे लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर प्रकार से सहायता करेगी। उन्होंने कहा कि मामले की SIT जांच की जा रही है, निष्पक्ष तरीके से जल्द जांच पूरी की जाएगी। पुलिस से संबंधित हर तथ्य को जुटाते हुए पुख्ता तरीके से रिपोर्ट तैयार कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। अपराधियों को ऐसी सजा दिलाई जाएगी जो आगे के लिए भी नजीर बने, पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिल सके। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है। बता दें कि अंकिता के परिजनों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के समक्ष अपनी कुछ मांगे रखी थी। जानिए क्या चाहता है अंकिता का परिवार। बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अंकिता के नाम पर पुरस्कार हो, तारे के भाई और पिता को जांच पूरी होने तक कस्टडी में रखा जाए, गुनहगारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।